Good morning, my dear students and faculty members who are watching this channel and this video. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on structure and functions of insect integument. जैसा कि आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के द्वारा एंटोमोलॉजी की विशेष लेक्चर सीरीज है वो आयोजित की जा रही है, और आज की इस व्याख्यानमाला के संदर्भ में इंसेक्ट की इंटेगमेंट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके केमिकल कंपोजिशन कैसी है, इस पे मैं आपसे चर्चा करूँगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, इंटेगमेंट ऑफ इंसेक्ट. अब कोई भी एनिमल्स हो, उसमें सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो इंटेगमेंट्री सिस्टम ही होता है. सबसे बड़े ऑर्गेन के रूप में भी आजकल इंटेगमेंट को काउंट किया जाता है. जैसे अपने बॉडी में आप देख लो, पूरी बॉडी के ऊपर स्किन प्रेजेंट है, और स्किन की जो सरफेस एरिया है और ऑर्गेन्स की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इंटेगमेंट है सबसे बड़ा ऑर्गेन है. अब इंसेक्ट की जो इंटेगमेंट होती है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका बेसिक आर्किटेक्चर कैसा है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्या क्या इसकी केमिकल कंपोजिशंस हैं, क्या क्या इसके डेरिवेटिव्स हैं, तो इस व्याख्यान को मैं तीन पार्ट में जैसे कवर करूँगा, जिसमें पहला पार्ट इंटेगमेंट की स्ट्रक्चर हो जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगमेंट, सेकेंड पार्ट में केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटेगमेंट, और थर्ड पार्ट में इसके जो अपेंडिजेज हैं, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि स्किन में कुछ कोशिकाएं हैं वो ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और कई बार इंटेगमेंट के बाहर कुछ आउटग्रोथ निकली रहती है, अतिवृद्धियाँ या प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं. ये अतिवृद्धियाँ जो है वो इंटेगमेंट की डेरिवेटिव्स के रूप में काउंट आती है. सो इस व्याख्यान को दो पार्ट में मैं कवर करूँगा. फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगमेंट. और इसके सेकंड पार्ट में केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटेगमेंट, और थर्ड पार्ट में इंटेगमेंट्री डेरिवेटिव्स या इंटेगमेंट्री प्रोसेसेस. अब इसके एक्सप्लेनेशन से पहले इसका आउटफ्लो चार्ट जो है, यानी इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. तो इंसेक्ट की जो इंटेगमेंट है, बेसिकली इसमें तीन पार्ट होते हैं, या स्किन इंटेगमेंट ऑफ स्किन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज क्यूटिकल, सेकेंड पार्ट इज एपिडर्मिस, एंड थर्ड पार्ट इज बेसल लेमिना और बेसल मेम्ब्रेन. तो इंटेगमेंट के तीन मेन पार्ट हो गए हैं. सबसे फर्स्ट पार्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे बेसल मेम्ब्रेन या बेसल लेमिना होती है. अब ये जो क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल भी दो पार्ट में डिवाइड होती है. इसका ऊपरी जो पार्ट है ये कहलाता है एपिक्यूटिकल, अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एपिक्यूटिकल, और एपिक्यूटिकल के नीचे का जो पार्ट है ये कहलाता है प्रोक्यूटिकल. सो क्यूटिकल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, टू जोन्स, अपर पार्ट इज एपिक्यूटिकल, लोअर पार्ट इस प्रोक्यूटिकल. अभी जो एपिक्यूटिकल है, इसके अंदर भी बेसिकली चार लेयर्स देखने को मिलेगी है, लेकिन सभी इंसेक्ट्स में चार लेयर नहीं होती है. इंसेक्ट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उसके हैबिट और हैबिटेट के अकॉर्डिंग, डेवलपिंग स्टेज के अकॉर्डिंग,
इन लेयर्स की संख्या कम अथवा ज़्यादा हो सकती है। तो एपिक्यूटिकल में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसको बोलते हैं सीमेंट लेयर, क्योंकि इसके अंदर सीमेंटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सीमेंट लेयर के नीचे वैक्स लेयर पाई जाती है, क्योंकि स्किन की जो इंटेगमेंट है इसके अंदर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आपने इंसेक्ट की स्किन देखी होगी, उसके ऊपर पानी की ड्रॉप जैसे गिर गई तो वो पानी की ड्रॉप का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो वैक्स की लेयर होती है वो इनकी स्किन के ऊपर पाई जाती है। इसके नीचे फिर होती है आउटर एपिक्यूटिकल, और आउटर एपिक्यूटिकल के नीचे होती है इनर एपिक्यूटिकल। इनर एपिक्यूटिकल, अब इसमें जो सीमेंट लेयर जो है, इस सीमेंट लेयर को कई बार टेक्टोक्यूटिकल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेक्टोक्यूटिकल। और आउटर एपिक्यूटिकल और इनर एपिक्यूटिकल, इनको कलेक्टिवली क्यूटिकुलिन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। हर लेयर का अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, सबका अलग अलग अपना फंक्शन है। अब प्रोक्यूटिकल जो होती है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। प्रोक्यूटिकल का सबसे आउटर जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्सोक्यूटिकल, और एक्सोक्यूटिकल के नीचे का जो पार्ट होता है ये कहलाता है एंडोक्यूटिकल। अब ये तो वो लेयर हैं जो माइक्रोस्कोप्स के द्वारा दिखाई देती है। कई बार इंसेक्ट को जैसे स्टेन करें, अलग अलग डाइज के द्वारा, अलग अलग स्टेन के द्वारा इसको यदि अभिरंजित करें तो इस क्यूटिकल के अंदर दो आवरण और पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है मीजोक्यूटिकल वन लेयर इज मेजोक्यूटिकल एंड सेकेंड लेयर इज सब क्यूटिकल। लेकिन ये जो दो लेयर हैं ये हिस्टोलॉजी का लेयर नहीं है, इंसेक्ट के सेक्शन में ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसके सेक्शन को यदि अभिरंजित करें पर्टिकुलर स्टेन के द्वारा उसमें इनकी विजिबिलिटी जो है वो माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है। इसलिए मीजोक्यूटिकल और सब क्यूटिकल इन दो लेयर की जो प्रेजेंस है ये स्टेनिंग के आधार पर डिटेक्ट होती है। तो ये एक बेसिक आउटलाइन खाका है किसका, स्किन का। तो स्किन जो है इसके अंदर तीन पार्ट हैं, सबसे बार क्यूटिकल, इसके नीचे एपिडर्मिस, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूटिकल भी दो पार्ट में डिवाइड है, सबसे बार एपिक्यूटिकल, इसके नीचे प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल एपिक्यूटिकल भी चार लेयर्स में डिवाइड हैं, सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, आउटर एपिक्यूटिकल, इनर एपिक्यूटिकल। सीमेंट लेयर होती है इसको टेक्टोक्यूटिकल के नाम से भी जाना जाता है, और आउटर एपिक्यूटिकल और इनर एपिक्यूटिकल इन दोनों को मिला के क्यूटिकुलिन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इधर प्रोक्यूटिकल जो होती है ये दो लेयर के अंदर डिवाइड है, एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल, और स्टैंडिंग प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे ये दो लेयर और डिटेक्ट होती है, जिसमें एक तो है मेजोक्यूटिकल और एक है सबक्यूटिकल। अब इन सभी लेयर्स को डायग्राम के द्वारा मैं प्रेजेंट करूँगा। डायग्राम में इसका पहले वर्टिकल सेक्शन जनरल डायग्राम, और फिर इसका एक एनलार्ज पोर्शन
क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी पोर कैनाल्स भी होती है। एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो ग्रंथियों में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ ग्रंथियाँ यूनिसेलर होती है, कुछ मल्टीसेलर टाइप की होती है, और इन ग्रंथियों की जो नलिकाएं होती है वो डायरेक्ट स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर कैनाल्स के रूप में खुलती है, जिनके द्वारा वैक्स मॉलिक्यूल्स का लिपिड मॉलिक्यूल्स का सिक्रीशन होता है। तो इस फ्लो चार्ट को मैं फिगर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो इंटेगमेंट के दो पार्ट में मैं कवर करूँगा इसका डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया इसके स्ट्रक्चरल पार्ट, और सेकेंड पार्ट में इसके केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो इसका जो पहला जो पार्ट है दैट इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल पार्ट। हाँ, इसमें मैंने बताया कि इंसेक्ट की जो इंटेगमेंट है ये तीन पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले क्यूटिकल, हाँ इसके नीचे एपिडर्मिस, और इसके नीचे बेसल लेयर या बेसल लेमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इनका डिस्क्रिप्शन मैं ऊपर से नीचे नहीं करूँगा, पहले आपको क्यूटिकल के बारे में नहीं बताऊँगा, पहले मैं आपको एपिडर्मिस के बारे में बताऊँगा, क्योंकि एपिडर्मिस जो होती है ये एक्चुअल में इंटेगमेंट की मदर लेयर होती है। क्यूटिकल का जो फॉर्मेशन है, क्यूटिकल का जो सिक्रीशन है वो इस एपिडर्मिस से ही होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके लिए वैसा मानते हैं कि इसकी फॉर्मेशन भी एपिडर्मिस के कोशिकाओं से होती है। तो सबसे पहले मैं एपिडर्मिस का डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा, उसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन का बताऊंगा, और सबसे लास्ट में फिर क्यूटिकल का डिस्क्रिप्शन आपको करूंगा। तो फर्स्ट सबसे पहले एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मल लेयर है, स्किन की एपिडर्मिस लेयर, और एपिडर्मिस जो होती है ये सिंगल सेलुलर लेयर है, मल्टी सेलुलर लेयर नहीं है। कोशिकाओं की केवल एक ही परत होती है, और ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। सभी सेल्स आपस में सेप्टेट डेस्मोसोम्स के द्वारा जुड़ी है। तो जितनी भी ये पारस्परिक सेल हैं ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से टाइट जंक्शंस के द्वारा, सेप्टेट डेस्मोसोम्स के द्वारा जुड़ी रहती है, और कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर जो होती है वो बन जाती है। अब इन कोशिकाओं की संख्या जो होती है ये इसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, एक स्किन की जो इंटेगमेंट होती है उसके अंदर पर स्क्वायर मिलीमीटर में, आप कल्पना करो पर स्क्वायर मिलीमीटर यानी 1/1 mm का जो एरिया होता है, पर स्क्वायर मिलीमीटर में इन कोशिकाओं की संख्या 3000 से लेकर 11000 तक हो सकती है नॉर्मल केस में। और इंसेक्ट में जब मॉल्टिंग होती है, जब इसका डेवलपमेंट होता है, पहले व्याख्यान में जैसे मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट का जब डेवलपमेंट होता है तो इसमें अंडे से लार्वल स्टेजेस निकलती है, लार्वा फिर प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, प्यूपा फिर अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। लार्वा भी कई हो सकते हैं, उनको शॉर्ट में L1, L2, L3 रिप्रेजेंट करेंगे। प्यूपा स्टेज भी कई हो सकते हैं, P1, P2, P3। अब अंडे से जब लार्वा निकले, लार्वा जब प्यूपा में कन्वर्ट होंगे, प्यूपा जब अडल्ट में कन्वर्ट होंगे तो इनके अंदर मॉल्टिंग की क्रिया होती है, निर्मोचन की क्रिया होती है, और मॉल्टिंग की घटना जब होती है तो पुरानी क्यूटिकल शरीर से उतर जाती है और नीचे से नई क्यूटिकल है वो बन के आती है। तो इंसेक्ट में ये देखा गया कि जब मॉल्टिंग का प्रोसेस जब होता है, निर्मोचन का प्रोसेस जब होता है, उस समय इन कोशिकाओं में माइटोसिस की जो दर होती है, रेट ऑफ डिवीजन, रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो माइटोटिक डिवीजन की दर जो होती है वो इन एपिडर्मिस की सेल्स में बढ़ जाएगी। इसलिए नॉर्मल केस में जब इंसेक्ट में मॉल्टिंग नहीं हो रही है उस समय तो पर स्क्वायर एमएम में इन कोशिकाओं की संख्या 3000 से 11000 तक हो सकती है, लेकिन मॉल्टिंग एक्टिविटी जब होती है उस समय ये पाया गया है कि पर स्क्वायर एमएम में इन कोशिकाओं की संख्या 11000 से भी ज़्यादा हो जाती है। तो लार्वल स्टेज में मान लीजिए 15000 सेल्स है पर स्क्वायर एमएम, तो पीपा के अंदर ये 18000 तक हो जाएगी, और अडल्ट के आने के बाद में फिर ये रेशियो जो होता है कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेस भी अलग अलग है, मॉल्टिंग का प्रोसेस है, एग्डाइसिस का प्रोसेस है, दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। मॉल्टिंग है उसमें भी पुरानी क्यूटिकल उतरती है, एग्डाइसिस में भी पुरानी क्यूटिकल उतरती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो पुरानी क्यूटिकल उतरती है वो घटना मॉल्टिंग के नाम से जानी जाती है। मॉल्टिंग हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, और अडल्ट में जो पुरानी क्यूटिकल उतरती है उसको एग्डाइसिस बोलते हैं, और उसके अंदर एग्डिशियल हार्मोन है उसकी भूमिका होती है, जबकि प्रोसेस सेम है।
इंसेक्ट में ग्रोथ मोल्टिंग ग्रोथ मोल्टिंग ग्रोथ मोल्टिंग ये प्रोसेस चलता रहेगा है, जब तक अडल्ट इंसेक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ इंसेक्ट में क्या होता है कि रिग्रेसिव डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, प्रोग्रेसिव होने के बजाय रिग्रेसिव डेवलपमेंट। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे साइक्लोरेफा, और साइक्लोरेफा में क्या होता है कि जो जो डेवलपमेंट होता है अडल्ट स्टेज जो जो बनेगी त्यों त्यों पर स्क्वायर एमएम में कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो निरंतर कम होती जाती है। तो ये एक बेसिक फीचर है एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड हैं, कोशिकाएं बड़ी होती है, सभी कोशिकाएं आपस में सेप्टेड डेस्मोसोम्स के द्वारा टाइट जंक्शंस के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, और इन कोशिकाओं की संख्या जो है पर स्क्वायर एमएम काफ़ी होती है। जो जो मोल्टिंग होता है इन कोशिकाओं के अंदर, सूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, तो इन कोशिकाओं की संख्या जो निरंतर है वो बढ़ती जाती है। अब कुछ कोशिकाएं इसके अंदर ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो ग्रंथियां यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। कई बार सिंगल सेल है वो भी है, कोई प्रोडक्ट जैसे सिक्रीट करती है, कई बार कई सेल आपस में मिल के है किसी पदार्थ का सिक्रीशन करती है। तो ये जो ग्लैंड्स जो होती है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, और इनके द्वारा प्रोजेक्शंस जो होते हैं स्किन के अंदर जो डेरिवेटिव हैं जैसे स्पर है, सीटी है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी ओरिजिन भी इन स्किन के डेरिवेटिव से बनती है। अब इन डर्मल ग्लैंड्स की जो पोर कैनाल जो होती है, ये पोर कैनाल वैक्स लेयर के नीचे जाके खुलती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इन कोशिकाओं के द्वारा वैक्स का सिक्रीशन होता है, सीमेंटिंग सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है, तो इनकी पोर कैनाल जो होती है वो इस पूरी क्यूटिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इसका जब वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो ये पोर कैनाल है, पूरी वर्टिकल कैनाल, और ये पूरी वर्टिकल कैनाल क्यूटिकल की सरफेस के नीचे जाके खुल जाती है। इसका जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो तो उसमें भी माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो छोटे छोटे अपर्चर्स, छोटे छोटे माइन्यूट पोर वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो ये फर्स्ट लेयर है इसकी एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद में मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे चर्चा करूँगा, बेसल लेयर पे चर्चा करूँगा या बेसल लेमिना पे चर्चा करूँगा। तो एपिडर्मिस के नीचे जो आवरण होता है, नीचे जो सपोर्टिंग लेयर है, इस सपोर्टिंग लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेमिना या बेसल लेयर के नाम से जाना जाता है। और ये जो लेयर है ये नॉन सेलुलर है, इसमें कोशिकाएं नहीं है, इसमें केवल सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक तरह से जो जमे जो मॉलिक्यूल हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि बेसल लेमिना जो होती है ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, और इसके अंदर कॉलेजन के जो फिलामेंट हैं वो इसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, तो एक तरह से अमॉर्फस लेयर है जो कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी है, और इसके अंदर कॉलेजन के जो माइन्यूट फाइबर्स हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। अब कोई भी एनिमल्स हो, सेल के अंदर जंक्शनल प्रॉपर्टीज है वो दो तरह की हो सकती है। कई बार तो सेल आपस में टाइट जंक्शंस के द्वारा जुड़ी है, इसको सीसी टाइप का कनेक्शन बोल सकते हैं, सेल टू सेल। और कई बार सेल जो होती है उसको कोई आधार चाहिए, कोई सबस्टेटम चाहिए, कोई मेम्ब्रेन चाहिए, उस मेम्ब्रेन के अंदर ये कोशिकाएं हैं वो धंसी रहती है, उसको बोलते हैं सीएम टाइप का कनेक्शन, सेल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एक तरह से मैट्रिक्स लेयर है। तो ये जितनी भी एपिडर्मिस की लेयर है ये हेमिडेस्मोसोम्स के द्वारा इन बेसल लेयर से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर जो डेस्मोसोम है वो तो कंप्लीट है, यहाँ पर जो डेस्मोसोम है हाफ है। तो ये सेल हेमिडेस्मोसोम के द्वारा बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कनेक्ट रहती है। अब कई बार इसमें कुछ स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको प्लाज्मेटोसाइट सेल्स, प्लाज्मेटोसाइट कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। और जब इन प्लाज्मेटोसाइट कोशिकाओं की संख्या बेसमेंट मेम्ब्रेन में बढ़ जाती है तो कुछ स्थानों पर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो मोटी भी हो जाती है। सपोज मान लो ये पोर्शन है सपोज, और इस पोर्शन में प्लाज्मेटोसाइट सेल्स की संख्या यदि बढ़ गई, प्लाज्मेटोसाइट्स कोशिकाओं का यदि बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो गया तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो मोटी हो जाती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के मोटी होने के पीछे रीज़न क्या होता है, प्लाज्मेटोसाइट सेल्स का एग्रीगेशन।
अब हालांकि प्लाज्मेटोसाइट सेल जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की खुद की सेल्स नहीं है, ये सेल कहीं से आती है। और कई बार क्या होगा, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके बीच में ऑयनोसाइट कोशिकाएं कई बार देखी गई है, तो यहाँ पर एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान के अंदर कई बार स्पेशल कोशिकाएं जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है और इन कोशिकाओं को ऑयनोसाइट कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब हालांकि ऑयनोसाइट सेल है ये एक तरह की सिलोमिक सेल्स है, एक तरह के हीमोलिम्फ की सेल है, और ये ऑयनोसाइट सेल जो होती है, अब क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे तो क्या है, पूरी बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ भरा हुआ है, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं इसके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें कोई धमनी और सिराए जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो ये ऑयनोसाइट सेल जो होती है ये हीमोलिम्फ से जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स हैं, जितने भी पोषक पदार्थ हैं, क्यूटिकल के संश्लेषण के लिए जो मॉलिक्यूल्स ये उन मॉलिक्यूल्स का ये पिनोसाइटोसिस के द्वारा अब्जॉर्प्शन करती रहती है, और ये मॉलिक्यूल फिर एपिडर्मिस को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और एपिडर्मिस जो होती है फिर वो ऊपर की क्यूटिकल है, वैक्स मॉलिक्यूल है, सीमेंटिंग सब्सटेंस है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, फिनोलिक कंपोनेंट्स हैं, उन सभी का ये सीक्रेशन करती है। तो ये सेकेंड पार्ट इसका हो गया, दैट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, और एपिडर्मिस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि एक तरह की मैट्रिक्स लेयर है, एक तरह की सपोर्टिंग लेयर है। अब इसका जो मेन पार्ट है दैट इज़ क्यूटिकल। अब क्यूटिकल हालांकि सबसे ऊपर है, तो मुझे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन क्यूटिकल का करना चाहिए था, लेकिन मैं उल्टा चला हूँ। यहाँ पर आपको पहले एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर बताई, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई। अब ये क्यूटिकल कैसे बनती हैं, इसके कौन कौन से पार्ट है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो क्यूटिकल जो है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे ऊपरी पार्ट इसको बोलते हैं एपी क्यूटिकल, और इसके नीचे का जो पार्ट है ये कहलाता है प्रोक्यूटिकल। एपी क्यूटिकल में भी चार लेयर है वो दिखाई देती है, सीमेंट लेयर सबसे ऊपरी ऊपर, इसके नीचे वैक्स लेयर, इसके नीचे आउटर एपिक्यूटिकल, इसके नीचे इनर एपिक्यूटिकल। अब यहाँ पर सीमेंट लेयर जो होती है इसको टेक्टोक्यूटिकल के नाम से भी जाना जाता है, और आउटर एपिक्यूटिकल और इनर एपिक्यूटिकल इन दोनों को सामूहिक रूप से क्यूटिकुलिन के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों लेयर इस डायग्राम में जैसे मैंने रिप्रेजेंट करी है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज सीमेंट लेयर, सबसे ऊपर की लेयर सीमेंट लेयर या टेक्टोक्यूटिकल, इसके नीचे जो सेकंड लेयर है दैट इज वैक्स लेयर, इसके नीचे आउटर एपिक्यूटिकल, और इसके जस्ट नीचे इनर एपिक्यूटिकल। और यहाँ पर आउटर एपिक्यूटिकल और इनर एपिक्यूटिकल इन दोनों को सामूहिक रूप से क्यूटिकुलिन के नाम से जाना जाता है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्यूटिकुलिन। और सीमेंट लेयर जो होती है इसको टेक्टोक्यूटिकल के नाम से जाना जाता है। अब इन हर लेयर का केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सबसे बाहर जो सीमेंट लेयर जो है जिसको टेक्टोक्यूटिकल का नाम दिया है, इसके अंदर टैंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ टैंड प्रोटीन, टैंड प्रोटीन प्लस लिपिड के मॉलिक्यूल। तो ये जो लेयर है सबसे बाहर वाली, इस लेयर के अंदर टैंड प्रोटीन्स हैं और लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। वैक्स लेयर, वैक्स लेयर में नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर मॉम के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पाए जाएंगे, और वैक्स मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एक तरह के एस्टर होते हैं। और इंसेक्ट की त्वचा जो चिकनी होती है उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ इन वैक्स मॉलिक्यूल्स के कारण ही होती है। और तीसरी जो लेयर है आउटर एपिक्यूटिकल,
इसके अंदर लिपिड के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, लिपिड के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इनर एपिक्यूटिकल जो होती है इसके अंदर लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाएंगे। इस तरह आप देख रहे हो कि एपिक्यूटिकल में चार लेयर और चारों लेयर का अलग अलग केमिकल कंपोजिशन। तो सीमेंट लेयर के अंदर टैंड प्रोटीन्स प्लस लिपिड के मॉलिक्यूल, वैक्स लेयर में वैक्स के मॉलिक्यूल्स, आउटर इसके अंदर लिपिड के मॉलिक्यूल्स और इनर एपिक्यूटिकल में लिपोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स। अब एपिक्यूटिकल के जस्ट नीचे फिर जो आवरण होगा ये कहलाता है प्रोक्यूटिकल। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक है कि एपिडर्मिस की जो ग्लैंड्स होती है ये ग्लैंड से इस वैक्स मॉलिक्यूल्स के जस्ट नीचे, यानी आउटर एपिक्यूटिकल जो है इस पर इसके जो ओपनिंग है वो खुलती है। इसलिए यदि स्किन का ट्रांसफर सेक्शन यदि अपन काटें या नाइट के समय जो क्यूटिकल बनती है उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं वो दिखाई देते हैं, और छोटे छोटे छिद्र हैं किसके हैं, इन ग्रंथियों के पोर केनाल के छिद्र हैं। अब इस एपिक्यूटिकल के नीचे सेकंड पार्टी हो गया प्रोक्यूटिकल, और प्रोक्यूटिकल जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो एक्सोक्यूटिकल दूसरा एंडोक्यूटिकल। तो एपिक्यूटिकल के जस्ट नीचे का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एपिक्यूटिकल, और एपिक्यूटिकल के नीचे का ये जो पार्ट है दिस इज प्रोक्यूटिकल, और इस प्रोक्यूटिकल के अंदर भी दो जोन हो गए, ये वाला जो पार्ट है दिस इज एक्सोक्यूटिकल, और ये जो पार्ट है दिस इज एंडोक्यूटिकल। अब इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। तो यहाँ पर जो एंडोक्यूटिकल है, इन एंडोक्यूटिकल में आप देख रहे हो मैंने लाइट बैंड डार्क बैंड अल्टरनेट दिखाए, ये जैसे लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड। अब इसमें जो डार्क बैंड जो होते हैं ये तो दिन में बनते हैं, लाइट बैंड जो होते हैं ये नाइट में बनते हैं। अब इसके पीछे फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है कि दिन में जो क्यूटिकल्स बनेगी उसमें तो क्या होगा, काइटिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, हैं जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रख दिया, सिक्के के ऊपर सिक्का रख दिया। तो दिन में जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो मॉलिक्यूल एक के ऊपर एक यूँ डिपॉजिट होते रहते हैं, एक तरह का है जो स्टैक बन जाता है, हैं जैसे थाली के ऊपर थाली रख दें, थाली के ऊपर थाली रख दें, या कागज़ के ऊपर कागज़ रख दें, कागज़ के ऊपर कागज़ रख दें। तो दिन में जो क्यूटिकल फॉर्मेशन होगी उसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं, और वो आपस में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन नाइट में जो क्यूटिकल बनेगी उसमें क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स रोटेट होते रहते हैं, हैं जैसे जैसे मान लीजिए सर्दी का दिन है, सपोज 6 बजे अंधेरा हो गया, सूरज जैसे छिप गया, अब उसके नाइट में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे। तो 7 बजे जैसे मॉलिक्यूल ये ऐसे आ गया, नाइट में 8 बजे मॉलिक्यूल ऐसे आ गया, रात को 10 बजे मॉलिक्यूल ऐसे आ गया, 11 बजे ऐसे आ गया, 12 बजे ऐसे आ गया, रात को 1 बजे ऐसे आ गया। तो नाइट में जो मॉलिक्यूल का डिपोजिशन होता है वो रोटेशन के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए नाइट में जो क्यूटिकल बनेगी वो हेलिकल प्रकार की होती है, हेलिकॉइड प्रकार की होती है, और दिन में जो क्यूटिकल बनती है वो स्ट्रेटिफाइड प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट मैंने दिखाया है, ये जो हेलिकॉइड जो पैटर्न है, इस तरह जी की जो पैटर्न है ये रात्रि के समय बनती है, इट इज़ फॉर्म्ड इन नाइट, और नाइट में जो क्यूटिकल बनेगी तो वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल इसके अंदर रोटेट करते हैं, और इसके अंदर आप देख रहे हो ये पोर कैनाल जैसे दिखाई दे रही है, और ये जो स्ट्रेटिफाइड जो पैटर्न है ये दिन के अंदर बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड इन डे टाइम। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है एक इंसेक्ट की इंटेगमेंट का। तो एक बार फिर मैं इसको शॉर्ट में रिपीट कर दूँ, इंसेक्ट इंटेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज क्यूटिकल, सेकेंड पार्ट इज एपिडर्मिस, थर्ड पार्ट इज बेसल मेम्ब्रेन। एपिडर्मिस हैं ये सिंगल लेयर हैं, सारी सेल आपस में डेस्मोसोम्स के द्वारा कनेक्टेड हैं,
इसमें कुछ सेल है वो ग्लैंड्स में मॉडिफाई हो जाती है, और बॉल्टिंग के दौरान इन सेल की जो एक्टिविटी है, माइटोटिक एक्टिविटी है, वो बढ़ती है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेमिना या बेसल लेयर के नाम से जानी जाती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है इसका केमिकल कंपोजिशन म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है, जनरली एमोरफस प्रकार की होती है, कोलेजन के फिलामेंट इसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। और सबसे ऊपर की जो लेयर है क्यूटिकल, क्यूटिकल भी दो पार्ट में डिवाइड है, एपिक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल में भी चार लेयर हैं, सबसे ऊपर सीमेंट लेयर, इसके नीचे वैक्स लेयर, इसके नीचे आउटर एपिडर्मिस, इसके नीचे इनर एपिक्यूटिकल। और सीमेंट लेयर को टेक्टोक्यूटिकल के नाम से जाना जाता है, आउटर और इनर एपिक्यूटिकल को क्यूटिकुलिन के नाम से जाना जाता है। अब कई बार क्या होता है कि स्किन को यदि अभिरंजित करें, स्लाइड जैसे अपन बनाते हैं, स्लाइड में जैसे हिमेटोक्सिलिन काम में लेते हैं, ईओसिन काम में लेते हैं, न्यूक्लियर स्टेन करना तो एस्टोकार्मिन काम में लेते हैं, तो कई बार स्टैंडिंग प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे इन स्किन के अंदर दो लेयर और डिटेक्ट होती है, जिसमें एक तो होती है मीजोक्यूटिकल, मीजोक्यूटिकल, और मीजोक्यूटिकल जो होती है वो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल के बीच में डिटेक्ट होती है। इसके अलावा सबक्यूटिकल, सबक्यूटिकल जो है ये एपिडर्मिस और इस एंडोक्यूटिकल के बीच में डिटेक्ट होती है। लेकिन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये लेयर क्लियर कट नहीं है, पूर्णतः स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन स्किन को जब अभिरंजित करते हैं तो हल्की सी पट्टी के रूप में, हल्की सी स्ट्रिप के रूप में, हल्की सी धारी के रूप में, एक डिमार्केशन लाइन के रूप में ये देखी जाती है। तो कुछ साइंटिस्ट इस प्रोक्यूटिकल के अंदर चार लेयर का भी डिस्क्रिप्शन है वो करते हैं, तो कुछ बुक्स में चार लेयर भी आपको पढ़ने को मिलेगी, बाकी जनरली एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, और स्टैंडिंग के बेसिस पे मीजोक्यूटिकल और सबक्यूटिकल। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है एक शॉर्ट नटशेल में स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट इंटेग्रमेंट। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है केमिकल कंपोजिशन, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब इसका इंटेगमेंट का केमिकल कंपोजिशन जो इसका सेकंड पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में मैं सारी बातों को इसमें कवर करूँगा। तो इंसेक्ट की जो स्किन होती है, इंटेगमेंट होती है, उसमें मेनली तीन प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, या तीन तरह के मॉलिक्यूल से ये बनी होती है। फर्स्ट मॉलिक्यूल इज काइटिन, काइटिन है उसका बेसिक कंपोनेंट है। सेकंड टाइप के जो मॉलिक्यूल है दैट इज प्रोटीन, और तीसरे जो मॉलिक्यूल है दैट इज लिपिड। अब इंसेक्ट की स्किन में काइटिन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम फिर प्रोटीन होता है, उससे कम फिर इसके अंदर लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। अब काइटिन जो है, काइटिन ये बनी होती है एन एसिटिल डी ग्लूकोसामिन की, इसके पॉलीमर सही हो मान के चलो, और एक जो मॉलिक्यूल होता है इसका जो सिंपली जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, ये यूनिट होती है इसमें C8 कार्बन 8, हाइड्रोजन 13, ऑक्सीजन 5 एंड, और इसका ये पॉलीमर है। तो यहाँ पर ये जैसे एक मॉलिक्यूल दिखाया एस्टिल ग्लूकोसामिन, एस्टिल ग्लूकोसामिन, एस्टिल ग्लूकोसामिन, और एस्टिल ग्लूकोसामिन जो होते हैं ये आपस में COC, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एस्टिल एन एस्टिल ग्लूकोसामिन के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इनके जुड़ने से ये एक पतला माइक्रोफाइबल्स बनता है, पतला एक मॉलिक्यूल्स बनता है। तो यहाँ पर इसका एक तरह से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, और फंडामेंटली इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला के रूप में इसको इस तरह लिख सकते हैं C8 हाइड्रोजन 13 ऑक्सीजन 5 नाइट्रोजन हॉल N। अब इस तरह की जब ये कई फंडामेंटल यूनिट जब आपस में मिल जाती है तो ये यूनिट एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहती है,
अब जब दिन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो तो क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी तीसरी लेयर, चौथी लेयर। और नाइट में जो क्यूटिकल बनती है हैं वो एंटी क्लॉकवाइजली क्या होती है, रोटेट होती है। तो नाइट में जो क्यूटिकल बनती है उसको तो हेलिकॉइडल क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है, और दिन में जो क्यूटिकल बनती है उसको स्ट्रेटिफाइड क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है। और ये जो काइटिन के जो मॉलिक्यूल है ये स्किन के अंदर चार तरह के मिलते हैं, एक तो अल्फा काइटिन, एक बीटा काइटिन, एक गामा काइटिन। इसमें अल्फा काइटिन जो होती है ये लगभग 50% तक कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, 50% मात्रा काइटिन की, 50% मात्रा अल्फा टाइप की होती है, लगभग 35 से 40% जो है वो बीटा काइटिन होती है, और 10% तक इसमें गामा काइटिन होती है। इसलिए स्किन में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है काइटिन की दैट इज़ अल्फा, अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज़ ग्रेटर देन गामा। अब ये जो मॉलिक्यूल है काइटिन की जो फॉर्मेशन है, इनकी जो माइक्रोफाइब्रिल्स है, इनके जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इनका रोटेशन कैसे होगा, ये जैसे नाइट का मैंने दिखाया है, सपोज रात्रि को जैसे 7 बज गए, सूर्य सनसेट हो गया, अब 7 बजे जैसे पहला मॉलिक्यूल्स बना है, 8 बजे जैसे दूसरा मॉलिक्यूल बना, 9 बजे तीसरा मॉलिक्यूल बना है, 11 बजे चौथा मॉलिक्यूल बना, 12 बजे पांचवा मॉलिक्यूल बना, रात्रि को 2 बजे ये बना है, रात्रि को 4 बजे ये बना। तो नाइट में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रूप से रोटेट होते हैं, इसलिए नाइट में जो क्यूटिकल का जो पैटर्न होता है वो हेलिकॉइडल प्रकार का होता है, हेलिकॉइडल प्रकार का। लेकिन अब जो ही सूर्योदय हो गया, दिन उग गया, अब दिन उगते ही क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक के ऊपर एक लेयर के रूप में अरेंज होते हैं, दिन में इन मॉलिक्यूल्स में रोटेशन नहीं होती है, तो दिन के अंदर जो क्यूटिकल बनेगी वो स्ट्रेटिफाइड होती है। इसलिए पहले जो डायग्राम मैंने बताया उसमें आपको मैंने डार्क बैंड लाइट बैंड के रूप में रिप्रेजेंट किया, तो डार्क बैंड एक्चुअली में वो क्या है, वो दिन में बनने वाली क्यूटिकल्स थी, और लाइट बैंड थी वो नाइट में बनने वाली क्यूटिकल्स थी। तो नाइट में जो क्यूटिकल का पैटर्न है वो हेलिकॉइडल प्रकार का है, और दिन में जो क्यूटिकल बनती है वो लैमिलर प्रकार की होती है या स्ट्रेटिफाइड प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जैसे ये क्यूटिकल नाइट में बन गई, अब दिन होती क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एक के ऊपर एक स्टैक के रूप में अरेंज हो जाते हैं, फिर वापस नाइट आएगी, वापस इन मॉलिक्यूल्स में रोटेशन होता रहेगा। तो ये एक सर्कैडियन रिदम के रूप में ये मैंने 3 फिगर जैसे दिखाए हैं, ये नाइट के समय पहली नाइट कंप्लीट होगी, फिर दो नुक्ते स्ट्रेटिफाइड, फिर नाइट में फिर हेलिकल पैटर्न, फिर अगला दिन आएगा अगेन स्ट्रेटिफाइड। तो इस तरह इस काइटिन की जो है वो फॉर्मेशन होती है स्किन के अंदर, और काइटिन है वो स्किन का इंटेगमेंट का सबसे मेन कंपोनेंट होता है, और स्किन में जो रिजिडिटी होती है, जो दृढ़ता होती है वो इस काइटिन की बेसिस पे होती है। अब सेकंड जो कंपोनेंट है इसमें दैट इज़ प्रोटीन। अब इंसेक्ट की स्किन में 3 मुख्य रूप से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें एक प्रोटीन्स तो होता है इसमें आर्थ्रोपोडिन, 1 मॉलिक्यूल, आर्थ्रोपोडिन। सेकंड जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है इसमें दैट इज रेजिलिन, 3rd जो मेन प्रोटीन्स हैं दैट इज स्क्लेरोप्रोटीन। या स्क्लेरोटिन। अब आर्थ्रोपोडिन नाम से स्पष्ट है, आर्थ्रोपोडिन क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये जो प्रोटीन होंगे ये घुलनशील प्रकार की होती है, और जितने भी जॉइंट्स होते हैं, संधियां होती है, वहाँ पर ये पाई जाती है। रेजिलिन प्रोटीन जो होती है ये रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ प्रदान करती है, और स्क्लेरोटिन प्रोटीन जो होती है ये एक्चुअल में काइटिनाइज प्रोटीन है, केराटिनाइज नहीं है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इंसेक्ट में जो है वो स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस होता है, केराटिनाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो स्क्लेरोप्रोटीन है, इसको टैंड प्रोटीन्स भी बोलते हैं,
और इसके अंदर फिनोली कंपोनेंट्स भी होते हैं। जो जो स्क्लेरोटाइजेशन होता है, इंसेक्ट की जो इंटेगमेंट होती है वो ब्राउन कलर की होती जाती है। जैसे घरों में तिलचट्टे निकलते हैं कॉकरोच, हैं कॉकरोच के जैसे इमेच्योर जो स्टेजेज हैं वो भी निकलती है, जिसके अंदर पंख नहीं होते हैं। और उन स्टेजेज को आप ध्यान से देखो तो उनकी स्किन का जो कलर होता है वो चेंज होता रहता है। तो प्रारंभ में जैसे हैं हल्की जैसे पीले रंग की है, फिर हल्के भूरे रंग की हुई है, फिर ये जो अपने कैया कलर जो होता है, इमली के जो बीज होते हैं उस तरह कलर हो जाती है। तो एकदम डार्क ब्राउन की ब्राउन यदि स्किन हो जाती है, इसका मतलब इसमें स्क्लेरोटाइजेशन है वो प्रॉपर हो चुका है। तो मेन कंपोनेंट्स में काइटिन, सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर प्रोटीन, और तीसरा जो केमिकल कंपोनेंट है दैट इज़ लिपिड। अब लिपिड के जो मॉलिक्यूल है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो लिपिड है वो एक तरह का वैक्सी मॉलिक्यूल्स हैं, स्किन को ये चिकना बनाए रखता है, लुब्रिकेट बनाए रखता है। और लिपिड का सिक्रीशन कब होगा, जब इंसेक्ट फीडिंग करता है, इंसेक्ट फीडिंग करता है उसमें पोर कैनल के द्वारा लिपिड के मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं, या स्किन के अंदर कोई स्ट्रेच हो गया, तनाव हो गया, या मोल्टिंग जब हो रही है उस दौरान इन मॉलिक्यूल्स का सिक्रीशन होता है। और ये हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ प्रदान करते हैं, और इंसेक्ट की जो स्किन है उसकी सरफेस प्रॉपर्टी एक्चुअली इन्हीं मॉलिक्यूल्स के द्वारा डिसाइड होती है। लेकिन जनरली जो स्किन है वो हाइड्रोफोबिक है, पानी का अवशोषण नहीं होता है इसमें। स्किन पे वाटर के मॉलिक्यूल गिर गए तो वो पानी की बूंदें, ओस की बूंदें वैसी की वैसी रहेगी, इनका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और ये इंसेक्ट की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, एक तरह का अडेप्टेशन है। और इसी हार्ड क्यूटिकल के कारण इंसेक्ट जो होते हैं वो कितने से कितने हार्ड एनवायरनमेंट हो, चाहे तापमान 50 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, चाहे माइनस में चला जाए, कितने पराबैंगनी किरणें आ जाएँ, कितनी एक्सरेज आ जाए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि यदि पूरी पृथ्वी या पूरी सृष्टि ख़त्म हो जाएगी लेकिन इंसेक्ट ख़त्म नहीं होंगे, तिलचट्टा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि स्किन में इसमें हार्ड एनवायरनमेंट है, हार्ड ये क्यूटिकल का आवरण है और ये इसका सुरक्षा कवच है। तो ये एक नट सेल में आज का अपना चैप्टर स्किन की इंटेगमेंट, इसके दो पार्ट मैंने कवर किए हैं, स्किन का बेसिक आर्किटेक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर और इसका केमिकल कंपोजिशन। अब इसका एक पार्ट और बचा है, स्किन की जो स्पेशल डेरिवेटिव्स हैं, स्पेशल इनके जो प्रोजेक्शंस हैं, जिसमें स्टाइल है, स्पर है, कोई स्पाइन है, और कोई सूक्ष्म जो है इसके ग्लैंड्स भी हो सकती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल ट्राइकोजन कोशिकाएं होती है, टॉर्मोजन सेल्स होती है, वो सारी सेल एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये रिमेनिंग पार्ट में नेक्स्ट व्याख्यान में आपसे मैं चर्चा करूँगा। और इसी के साथ मैं एक बार आपका हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।